सुनते नहीं हैं, बूथ पे जो काम कर रहे हैं उनकी सुनते नहीं हैं। एक पर्यवेक्षक दिल्ली से आता है और वो भोपाल में बैठक लेके चला जाता है और वो कमरे में ये सब तय हो जाता है, जिस एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग बैठ सकते हैं। आंदोलन वर्षों से देख रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। ये सरकार से टकराव का रास्ता अपनाने से हल नहीं निकलेगा, सरकार से बैठकर बातचीत करने से हल निकलेगा। तो ये वीडियो आपने जो देखा, ये दरअसल लक्ष्मण सिंह, कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई भी हैं, और उनका ये कहना है कि 20 साल से हम मध्य प्रदेश में पूरी तरह से असफल है, जबकि देश के काफी हिस्सों में हमारी सरकारें भी नहीं है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। वासु, लक्ष्मण सिंह की बातों को अगर ध्यान से सुना जाए तो बातें तो उनकी पार्टी के हित के लिए ही हैं, लेकिन पार्टी को रास नहीं आ रही हैं या पार्टी नेताओं को, नेतृत्व को, यह समझ पाना मुश्किल है। अब बिल्कुल देखिए, लक्ष्मण सिंह अक्सर अपनी बात जो है वो रखते रहते हैं, कई बार उनकी बातें ऐसी भी होती हैं जिसको लेकर कांग्रेस परेशानी में भी पड़ जाती है। और एक बार फिर लक्ष्मण सिंह का मुखरता से बयान सामने आया, काफी सीनियर लीडर हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई भी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस पद्धति से, जिस पैटर्न पर कांग्रेस पार्टी चल रही है उससे 20 सालों में लगातार असफलता मिल रही है, और खासकर उन्होंने मध्यप्रदेश का जिक्र किया है क्योंकि लंबे समय से यहां पर कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। उनका यह कहना है कि बंद कमरों में क्यों जाती हैं, दिल्ली से बाहर से आए हुए लोग ये तय करते हैं कि मध्यप्रदेश में क्या चलेगा, कैसे चलेगा, कौन सा आंदोलन कब होगा कब नहीं होगा, ये जबकि पार्टी वर्कर्स से पूछना चाहिए, किसानों से पूछना चाहिए अगर आप उनके हित में आंदोलन करने जा रहे हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से उसका कोई जमीनी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। एक और बड़ी बात इस बयान में लक्ष्मण सिंह ने कही है वो ये है कि वो पूरे मध्यप्रदेश का दौरा करने वाले हैं। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के लिए पूरे मध्यप्रदेश का दौरा करेंगे, और उन्होंने ये कहा है कि इस दौरे से लोगों से बातचीत करके जो चीजें निकलकर सामने आएंगी उसे पार्टी फोरम में रखेंगे। और दरअसल वासु, लक्ष्मण सिंह के बयान से, उनकी बातों से जो बात समझ में आ रही है वो यही कि उनका ये कहना है कि पार्टी ग्राउंड पर काम करे, कमरे के अंदर बैठकर काम करने से हल नहीं निकलेगा। नेहा जी हमारे साथ बीजेपी से, और अब्बास हफीज साहब कांग्रेस से जुड़ गए। नेहा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब्बास हफीज पहले आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। जो लक्ष्मण सिंह ने बातें कही हैं तो वो पार्टी के हित की और दिख भी रही हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के कई नेता इस तरह के बयान से किनारा कर लेते हैं, उन्हें उनकी निजी राय बता देते हैं। 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में असफलता को लेकर, देश के अधिकांश हिस्सों में आपकी सरकारें नहीं है, इस बात को उठा रहे हैं वो, पार्टी लाइन की वो मुखालफत कर रहे हैं या फिर वो अपनी बात रख रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा इस वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है त्रिपाठी जी, कि यहाँ पे गले घोट दिए जाए, बोलने की इजाजत नहीं हो। हर एक व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। और जहां तक लक्ष्मण सिंह जी ने दो बातें जो मुझे साफ आपके पैकेज में सुनाई थी, मैंने नहीं जानता उन्होंने क्या बयान दिया, मैंने नहीं सुना था, आपके पैकेज में ही सुना, नहीं आपके पैकेज में सुना, मैंने सुन लिया, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि वो जितना जो समझ में आता है उससे, पहली बात उनकी पर्यवेक्षकों को लेकर है। पर्यवेक्षक जो नेशनल सेक्रेटरी इंचार्जेस हैं वो जोन के हिसाब से बनाए गए हैं आईसीसी के, वो अपने जोन में ही रहते हैं। अगर वो इंदौर रीजन के हैं तो इंदौर रीजन में ही है, तमाम लोग बहुत अच्छे से उसमें काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम उनसे कैसे नहीं मुलाकात हुई है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो दौरा करेंगे, अच्छी बात है, और उन्होंने ये भी कहा है वो पार्टी आला कमान को अपनी रिपोर्ट देंगे, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं होती है। पर आज की तारीख में एक पार्टी हम पे आरोप लगाती है, जिस पार्टी के अंदर से कितनी आवाजें आ चुकी हैं, जिस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में मैं उन नेताओं का नाम क्या लूं जो सार्वजनिक तौर के ऊपर खुले तौर पर बोल चुके हैं, अपनी असंतुष्टि जता चुके हैं, चाहे वह अजय विश्नोई जी हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, चाहे वो रघुनंदन शर्मा जी के निरंतर आने वाले बयान हो जो मोहन यादव जी की सरकारों के घेरे में खड़ा करते हैं बार बार, ये तमाम चीजें हर पार्टी में चलती हैं, लेकिन सीमाओं के दायरे में, सीमा में रहते हुए अगर कोई बात कही जाती है तो उसके ऊपर हम सुनते हैं और उसकी कटाक्ष के अंदर नहीं ले देते हैं कि भाई नहीं आपको अनुमति नहीं है, सुनेंगे। नहीं, अच्छी बात है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है और इतने समय तक मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अलग अलग जगह शासन भी किया, तो लोगों को उम्मीदें अभी हैं। लेकिन नेहा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई, पहले उनका भी एक रिएक्शन लेते हैं। बस एक प्रश्न और आपसे ये रहेगा नेहा जी, ये बात जो अभी अब्बास भाई कह रहे हैं कि बीजेपी जैसा गला घोटने वाली प्रथा यहां पर नहीं है, बात रखने का सबको मौका मिलता है, लेकिन लक्ष्मण सिंह का जो वीडियो, जो बयान हमने देखा, उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि उनका ये कहना है कि प्रासंगिकता हर एक कार्यकर्ता की होनी चाहिए,
एक कमरे के अंदर तो 20-25 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, तो वो कैसे अपने आप को अलग ना महसूस करे? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई चरण वंदना से दूर जाके एक ही परिवार को, गांधी परिवार को माननीय सम्माननीय के पद से हटाकर उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहा है तो लक्ष्मण सिंह जी हैं, और समय समय पर करते आए हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, प्रदेश के हित की बात करते हैं। और जो राहुल गांधी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए या चुनाव जीतने के लिए अलग अलग प्रकार से, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश आके किसानों के साथ जो ठगी की थी वो हम सबके सामने है, एक से लेकर 10 तक की गिनती गिनी, उसके बाद सरकार बनी, कर्ज माफ हुआ नहीं, जिस तरीके से पीले नीले हरे फॉर्म में अटका के रख दिया। अब जब लक्ष्मण सिंह स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, सैम पित्रोदा को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी संभल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इन्हें अक्सर वो लोग पसंद आए हैं जो किसी ना किसी प्रकार से आसपास घूमकर केवल एक पार्टी, एक परिवार की वंदना करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ ये जाहिर कर दिया है कि उनके अंदर वो समझ नहीं है, वो समझदारी नहीं है, जिसके ऊपर से वो ठीक है, वो एक अलग विषय हो जाएगा नया जी, उस पर भी हम बात करेंगे। अब्बासी, चलते चलते एक छोटी सी बात आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बातें अभी ये हाल फिलहाल में हो रही हैं राजनीति में, अभी एक बात जो लक्ष्मण जी की बात से समझ में आई वो ये कि प्रदर्शन या आंदोलन व्यापक स्तर पर होने चाहिए, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, सरकार से विरोध करने के अलावा अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हो सकता है ज्यादा बेहतर तरीके से हल निकले, ये उनकी बात जो अब तक मुझे समझ में आई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नरसिंह घोटाले में दिग्विजय सिंह जी विसल ब्लोअर्स को लेकर गए मुख्यमंत्री महोदय के पास, उसके बाद भी कोई हल निकला क्या? एक कार्रवाई के नाम पे कोई बयान तक नहीं आया मुख्यमंत्री का। ऐसे कई बार एडीजी डीजी साहब से मिले, मुख्यमंत्री महोदय के दूसरे विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मिले, निरंतर चल रहे ये प्रक्रिया, हर चीज एक तरीके में होती है, उसके सब तरीके हैं। मुझे लगता है कि शायद कुछ क्या कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है लक्ष्मण सिंह जी के एंड के ऊपर, पर मैं उस विषय के अंदर तो मैं सम्मान करता हूँ, हमारे एक वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि जो बात रघुनंदन शर्मा जी रोजाना कहते हैं उस पर नेहा जी कुछ नहीं बोल रही हैं। उन्होंने तो क्या कह दिया, दलालों सरकार नहीं चलाई जाएगी, सरकार चलानी है, तो ये कौन कह रहा है? मुख्य बीजेपी के खुद के बड़े नेता कह रहा है। रघुनंदन शर्मा जी ने बीजेपी को साफ करने का ठेका लिया हुआ लेकिन चिंता बीजेपी को कांग्रेस की पड़ी हुई है, मुझे हैरानी इस बात के ऊपर है। होनी भी चाहिए चिंता, देखिए लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, आप कांग्रेस की चिंता करें और कांग्रेस पार्टी बीजेपी की चिंता करें, ये कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या आम लोगों की बात है, ये लोकतंत्र की बात है, ये खूबसूरती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस विषय पर बातचीत की, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।